हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं क्रिकेट विजय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इंडिया अभ्यास टेस्ट 25। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, 16 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको स्पेशल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको वीडियो पहुंचा सकें, तो तुरंत ही कोशिश करेंगे कि आप तक हम वीडियो उस टॉपिक का पहुंचा सकें। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में। कहा गया है कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल देन। ओके, कहा गया किसी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो कुछ ऑप्शन दिए गए, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर बात करते हैं। देखिए क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस। ओके, अब यहां पर हम बॉडी को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये देखिए थीटा से हमने यहाँ पर बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। और कितना एंगल बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल से, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये है थीटा के साथ प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करना शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट है, जैसे हमने इसको नाम ओ पॉइंट दे दिया, ये आपका पी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया क्यू, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, हाइएस्ट पॉइंट। ओके, चलिए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सीलरेशन। ओके, देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सीलरेशन बनाएं ए वाई इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे जी के बराबर। अगर इस जगह पे हम देखें तो ए वाई किसके बराबर होगा, जी के। और ये जो वेलोसिटी होगी इसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यू कॉस थीटा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऊपर होती है इसे क्या कहते हैं, जीरो। वाई कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। कहा गया इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सीलरेशन, गलत है। देखिए यहाँ पर 90 से ज्यादा एंगल मेंटेन हो रहा है, यहाँ 90 है, यहाँ पर अलग एंगल होगा, मतलब अलग अलग पोजिशन पे एंगल क्या बनाता है, अलग अलग, हमेशा 90 एंगल नहीं होता, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट इट्स मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट पर कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, गलत जवाब है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो होता है, ना कि टोटल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरे ऑप्शन के साथ चलते हैं, लिखा है इट्स वेलोसिटी मेक जीरो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये सही जवाब है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल मेंटेन कर रही, जीरो। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी। डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कॉइंसाइड विद द एक्सीलरेशन। यहाँ पर जब वो टच करेगी तो क्या एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, नहीं, यहाँ पर भी वो एंगल बनाते हुए स्ट्राइक करेगी या कोलाइड करेगी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया 17 में। अ बोट विच हैज अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, जो बोट की स्पीड है वो कितनी दी है, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, अच्छा, क्रॉस अ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, वेलोसिटी हमें रिवर की निकालने, तो देखिए चलिए डायग्राम बनाते हैं उसे बेहतर समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये मान लेते हैं रिवर है और ये रिवर की विड्थ है, कितनी दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिया गया है 1 किलोमीटर। ओके, तो ये आपकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर। ओके, अब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करनी है। देखिये यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये जो रिवर दी गई है, अगर इसको हमें पार करना है, इधर से उधर पहुंचना है, मान लो हमें यहां से यहां पहुंचना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है, क्लियर। तो देखिए कई तरीके हैं पहुंचने के, एक तो है कि सीधे हम तैर जाएं, एक होता है कि हम वाटर के साथ, जैसे मतलब रिवर की ये स्पीड है, रिवर ऐसे मूव कर रही, तो एक तरीका है कि रिवर के साथ हम मूव करें और एक होता है कि इसके अपोजिट मूव करें। तो कंडीशन हमारे पास दो होते हैं, एक होती है शॉर्टेस्ट टाइम की और एक कंडीशन होती है शॉर्टेस्ट पाथ की। अगर टाइम की है तो हमेशा हम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करना है तो हमेशा फ्लो के अपोजिट हम स्विम करेंगे। ओके, तो चलिए हमारे क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो बोट को लेकर चलना है इस डायरेक्शन में मूव करना, ये देखो बोट की डायरेक्शन, और हमें दिया है कि जो बोट की स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके,
उसको हम यूज करेंगे। अब एंगल हमेशा वाई एक्सिस के साथ हम मेंटेन करेंगे। अब इसकी दो कंपोनेंट हम इसको बना लेते हैं, देखिए क्या बनेगा, वी बी साइन थीटा, और जो ये कंपोनेंट इधर वाला बनेगा वो बनेगा वी बी कॉस थीटा। ओके, रिवर के स्पीड को यहीं पर दिखा दिया जाए तो ये आपके है रिवर की स्पीड जो इधर को मूव कर रही है, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा गया कि रिवर की स्पीड क्या होगी, देखिए एक इक्वेशन तो मेरी यहां बन गई, पहली इक्वेशन हमारी बन गई है कि वी बी साइन थीटा इक्वल टू वी आर के। ओके, अगर अब देखिए हमारे पास बोट की स्पीड मालूम है कितनी दी है, 5 into sin थीटा। तो अगर मुझे साइन थीटा मालूम हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो साइन थीटा कैसे पता लगाते हैं, तो कॉस से हम पता लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि तो देखिए टाइम हमको क्वेश्चन में बताया गया होगा, देखते हैं क्या दिया है, हाँ टाइम दिया गया है हमको कि 15 मिनट। ओके, टाइम हमें कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 15 मिनट। इसको देखो आवर में बदलिए, क्योंकि पूरी डेटा जो है किलोमीटर पर आवर में है, जब आवर में बदलेंगे तो ये 1/4 आवर हो जाएगा, क्लियर। आप देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिधर की डिस्टेंस लीजिए उधर की स्पीड लीजिए, ये बनेगा वी बी कॉस थीटा। यहां से हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, डी अपॉन वी बोट इंटू टी। डिस्टेंस देखिए कितनी दी है, 1 किलोमीटर। ओके, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5 into 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4/5। ओके, ये कॉस थीटा बन गया। अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कॉस थीटा अगर मालूम हो जाए तो हम इसके जरिए सब कुछ पता लगा सकते हैं, बेस दे दिया गया और हाइपोटेनस दे दिया तो पक्का ये कितना होगा 3। यहां से बनेगा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन थीटा पता चल गया, यहां लाके रख दीजिए, 5 into 3/5 = vr 5/5 कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या दिया गया है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रक विच एक्सिलरेट विद द एक्सिलरेशन 5 m/s². द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रक इज 0.6। ओके, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक 5 N दिया है, 6 N दिया हुआ, 5.82 N एंड 4.6। देखिए डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में आपको आएगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रक है, कहा गया है ट्रक है, ठीक है, ये देखिए ट्रक दी हुई है, ये देखिए। ओके, इसका एक्सिलरेशन दिया हुआ है, कितना एक्सिलरेशन दिया गया है, 5 m/s². यहां पर एक ब्लॉक है, ओके, इसका मास दिया हुआ है कितना, 1 kg। ओके, 1 kg दिया गया है, और यहां पर जो कोफिशियंट है वो आपको दिया गया है 0.6, और आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं स्यूडो फोर्स का। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई बॉडी एक्सिलरेशन में हो तो उस पर एक फोर्स लगता है जो एक्सिलरेशन के अपोजिट कार्य करता है, अपोजिट। ओके, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो फोर्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एमए के। ओके, अब देखिए अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ब्लॉक इधर को जाना चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस साइड में मूव करेगा, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया कि फ्रिक्शन यहाँ ये होना चाहिए, ये निकालना चाहिए, बट ये देखें कि फ्रिक्शन फोर्स तो तब होगा जब ब्लॉक मूव करेगा, या कितना होगा उसका हम पता लगाएंगे। फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स 2 टाइप होता है, एक स्टैटिक कंडीशन का और एक काइनेटिक कंडीशन का। ओके, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी स्टैटिक है या वो काइनेटिक है। तो पहले हम चेक करते हैं कंडीशन को, चेक द कंडीशन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, चेक द कंडीशन। तो चेक कैसे करते हैं कंडीशन को, म्यू एम जी के जरिए पता लगाया जाता है। म्यू की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, 0.6। मास कितना दिया गया है, 1 × 10 = कितना आया, 6 N के। ओके, 6 N फ्रिक्शन फोर्स है, और स्यूडो फोर्स देख लेते हैं कितना यहाँ पर है, तो उसका भी पता लगा लेते हैं। तो स्यूडो फोर्स जो हमारा निकल के आया है वो किसके बराबर है, में मास कितना दिया गया, 1 × कितना है, 5 = कितना, 5 N। ओके, स्यूडो फोर्स इतना है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, देखिए खींचने वाला कितना है, 5 N का, रोकने वाला कितना है, 6 N। मतलब पक्का है जो कंडीशन है वो कौन सी है, स्टैटिक कंडीशन।
कौन सी कंडीशन है? स्टैटिक, ओके। और स्टैटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा एक्शन फोर्स के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर जो मेन फॉर्मूला है उसे समझिए, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बराबर होगा किसके? एक्शन फोर्स के। और एक्शन फोर्स यहां पर है क्या चीज? स्यूडो फोर्स है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 5 न्यूटन। तो करेक्ट जवाब कौन सा होगा? फर्स्ट। इसलिए यहां पर आंसर कौन सा होगा? 5 न्यूटन, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया है, एनर्जी एंगुलर मोमेंटम एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच इज। कहा गया है कि जो प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्मूले में आपको जी, जो कैपिटल जी है, उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, जैसे हम एच का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो एच इक्वल टू आपके पास है जी ई एंड एच, यह हमने नोट कर लिया सपोज, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी पावर ले लेते हैं ए बी एंड सी। इसी चीज को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये जो पावर होती है ये उनकी डायमेंशन कहलाती है। जैसे कहा गया जी की डायमेंशन बताइए तो ए निकालेंगे, अगर एनर्जी की डायमेंशन निकालना है तो बी निकालेंगे, और एल की डायमेंशन अगर निकालना है तो सी निकालेंगे। क्लियर। अब हम दोनों ओर की डायमेंशन लिख लेते हैं। देखिए एम एल टू टी माइनस वन, ये प्लैंक कॉन्स्टेंट की हो गई। जी के लेते हैं एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू ए हो गया। ई एनर्जी है एम एल टू टी माइनस टू पावर बी हो जाएगा, और इसकी मोमेंटम की भी एम एल टू टी माइनस टू और ये पावर सी हो जाएगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एम पहले तो माइनस है और ये आपका आ जाएगा प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी। एल में चलते हैं, एल की वैल्यू क्या होगी? थ्री ए, और यहां पर कितनी होगी? प्लस टू बी, और यहां पर कितनी होगी? प्लस टू सी, ओके। अब आते हैं बारी किसकी? टाइम के लिए। देखिए माइनस टू ए, और इसके लिए हो जाएगा माइनस टू बी, और इसके लिए हो जाएगा टू सी, ओके। अब यहां पर हम लिख लेते हैं एम एल टू टी माइनस वन, और इसकी वन पावर लिख सकते हैं। पहली क्वेश्चन बना लेते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके? वन के, ओके। दूसरी क्वेश्चन बना लेते हैं, माइनस थ्री ए प्लस टू बी प्लस टू सी एन इक्वल टू कितना? टू के। तीसरी क्वेश्चन बनाते हैं, टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल टू कितना? माइनस वन, ओके। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकेंड होगी, ये क्वेश्चन थर्ड हो गए। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट को टू से इंटू करके इसके साथ सेकंड के साथ माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू टू, ओके। इसको लिख लेते हैं थ्री ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू टू। माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, यहां पर बचेगा ए इक्वल टू, ये भी कैंसिल बराबर जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू होगी या कहिए ग्रेविटेशन की जो डायमेंशन होगी वो जीरो होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, पहले में जीरो दिया, दूसरे में माइनस वन, तीसरे में 5/3 और चौथे में डी दिया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके देखिए क्या दिया, अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अप्लाइंग अ फोर्स 10 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओके ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। देखिए डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बॉडी दी हुई है, कितनी दी हुई है, इसका मास कितना दिया गया है बेटा? 10 kg दिया है, और इस पर फोर्स कितना लगाया गया है? 10 न्यूटन से। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है? 0.2 मीटर पर सेकेंड, वो भी कांस्टेंट दी है। इसका मतलब शायद आप समझ चुके हैं कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, ए की वैल्यू जीरो है और जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एफ के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कितना होगा? 10 न्यूटन। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन के जरिए वर्क डन फाइंड करना है।
चलिए फॉर्मूला नोट करते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन और इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फ्रिक्शन फोर्स हमें कितना दिया गया है, 10। डिस्प्लेसमेंट चलिए निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू टी। वी हमें कितना दे रखा है, 0.2, और इंटू टाइम हमको कितना दे रखा है, देखिए टाइम को देख लेते हैं कितने सेकंड के लिए, हाँ 10 सेकंड के लिए है, इसका मतलब 2 मीटर। ओके, इंटू 2 इक्वल टू कितना, 20 जूल। बट अब ये हमें देखना है कि उसमें जो 20 है वो पॉजिटिव भी दिखाया गया और नेगेटिव दिखाया गया, तो आप चाहें तो पूरे पॉइंट को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए एफ आर और इनटू डी कॉस थीटा, वो भी कौन सा आएगा, 180। क्यों ऐसा 180 क्यों होगा, क्योंकि तो फोर्स इधर अगर लगेगा तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे जाएगा, मतलब एंगल कितना होगा, 180। और 180 के लिए आपको वैल्यू पता ही है कितना, -1 -1, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, -20। जो एक बात और याद रखिएगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो सारे के सारे किसमें होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या दिया गया है, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, एक डिस्क है, डिस्क में से एक होल कट किया गया है जिसकी रेडियस कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, द सेंटर ऑफ द होल इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क के सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको कट किया गया है। देन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज, आपसे कहा गया जब वो कट कर दिया गया तो सेंटर से कितनी दूर पर वो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अच्छे समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा और उसके बाद बाकी बातें होंगी। ये डिस्क है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, डिस्क है। ओके, ठीक है, ये इसका सेंटर, और सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस दी गई है वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटर 1 है, मान लेते हैं C1 है। ओके, अब उन्होंने कहा है कि एक होल कट करना है, वो भी सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो हम यहाँ पर एक होल कट करने वाले हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक होल कट कर दिया। ओके, तो यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस, नई डिस्टेंस है, उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये जो दूसरा सेंटर होगा उसे हम C2 नाम दे देंगे, ठीक है, और ये जो कट किया गया है इसकी जो रेडियस दी गई है वो भी आप जान लीजिए, ये रेडियस दी गई है जो आपको, वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। ओके, अब हमको फाइंड करना, देखिए ट्रिक यूज करते हैं यहां पर, ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, A1 R1 = A2 R2, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, R1 फाइंड करना है और A2 R2 अपान हमें A1 लिखना है, ये फॉर्मूला हमने सेट किया। अब चलिए A2 पहले निकालते हैं, तो A2 की वैल्यू देखिए क्या होगी, A2 मतलब कटिंग जो होगा, πr² फॉर्मूला होता है, तो π × 1² अगर करेंगे तो आएगा πk। ओके, अब चलते हैं R2 तो हमें बताया गया, R2 क्या चीज होती है, R2 जान लीजिए, ये है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके, ये है डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर, जैसे C1 एंड C2। ओके, तो R2 आपको दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें A1 निकालना है, A1 क्या चीज होता है, A1 का मतलब है टोटल एरिया में से जितना सेक्शन कट कर दिया गया है जो बचता है वो होता है, मतलब ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर रिमूविंग द सेक्शन। ओके, तो चलिए टोटल कितना होगा, तो पाई होगा, रेडियस कितनी दी है 6, तो 6² करोगे कितना होगा, 36, और माइनस ये पाई। ओके, तो कितना हो गया, 35। ओके, चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये आपका कितना दे रखा था, πr² आपको कितना दे रखा है, 3, और अपान 35 × π से कैंसिल, 3/35। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, ये आपका ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट। ओके, पहले ऑप्शन में दिया गया 3/35, दूसरे ऑप्शन में दिया गया 1/35, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया 3/10 सेंटीमीटर। देखिए ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, NTA ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है नीट
2020 में भी. ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रिवाइज करिएगा अच्छे से. और अगर आपको इस पर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए इस तरीके से तो जरूर बताइएगा, इस पर हम डिटेल में सेंटर हम मार्क्स पे और भी क्वेश्चन दे देंगे. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. देखिए क्या दिया गया है. फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद विच एन ऑटोमोबाइल कैन मेक अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर विदाउट द स्लिपिंग इफ द रोड इज अनबैंक्ड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.8. ओके, अब देखिए सेफ मोशन के लिए जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर ट्रैक के लिए, वो जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, म्यू आर जी के बराबर. इसके म्यू आर जी. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है. कोफिशियंट कितना दिया गया, देखिए 0.8 दे रखा है. रेडियस कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है. और जी की वैल्यू कितनी है, 10. ओके, तो देखिए ऑप्शन हो गया कि ये आपका आएगा 64 और आपका हो गया 8 मीटर पर सेकेंड. कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब, ए. ओके, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. ओके, देखिए क्या दिया गया है. इमेजिन अ लाइट प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी. ओके, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर माइनस 5/2 देन. तब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या रिलेशन होगा टाइम पीरियड में और रेडियस में. ओके, क्या दिया है, देखिए सबसे पहले दिया क्या, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताया गया है. ठीक है, अब देखिए कोई भी जब प्लेनेट किसी स्टार के अराउंड चक्कर लगाता है तो वहां जो फोर्स क्रिएट होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे बोलते हैं एफसे, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है. अब हम इस साइन को हटाते, चलो सॉल्व करते देखते क्या मिलता है. तो यहाँ मिलेगा के और आर की पावर माइनस 5/2. यहाँ के का मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट है. चलिए एफ सी की वैल्यू रखते हैं, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू रखेंगे के आर की पावर माइनस 5/2. अगर हमने आर यहाँ कैपिटल में लिया तो यहाँ भी हम कैपिटल में ही नोट कर लेते हैं. ठीक है, अब चलिए हम रिलेशन बनाते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर माइनस 5/2. ओके, इस आर को यहां भेज दिया जाए तो पहले आर नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, आर की पावर माइनस 7/2. देखिए जब इसको ऐड करेंगे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 5/2 में अगर माइनस 1 करेंगे तो आपको मालूम है एलसीएम 2 ले लेंगे, तो -2 -2 इक्वल टू -7/2 आ जाएगा. क्लियर, यही चीज हमने डायरेक्ट यहां पर कर दी है. अब चलिए यहां से हम आंसर बना सकते हैं. देखिए ओमेगा का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, 2π/ क्या होगा, टी. तो अगर हम ओमेगा देखें तो 1/ क्या निकल के आएगा, टी के. तो यहां मैं लिख सकता हूं 1/t² और आर के पावर माइनस 7/2. ओके, अब हमको टी चाहिए तो टी दैट इज इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर के पावर 7/2. अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा. देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, गलत है. दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 7/2, मतलब करेक्ट जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24. ओके, देखिए क्या दिया है, एट व्हाट एल्टीट्यूड विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 25% ऑफ दैट द अर्थ सरफेस. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वो हाइट बताइए जहां पर अर्थ सरफेस की जो ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन है वो 25% हो जाए. तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, नोट समझ लीजिए, जो नोट याद होना चाहिए, फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं. अगर कभी भी दिया हो कि जो जी है, जो एक्सेलरेशन है किसी हाइट पर 25% हो जाता है, तो ऐसे केस में जो हाइट होती है वो उसके आर के बराबर ही होती है बेटा. ठीक है, क्या दिया होना चाहिए, 20% उसकी जी होनी चाहिए. या अगर ऐसा दिया हो कहीं पर कि उसका जो जी है वो अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाने पर कितना परसेंट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो 50%. तो ऐसे केस में जो हाइट होती है वो 0.4 आर के बराबर हो जाती है. क्लियर, या अगर इस तरह ना दिया हो तो ऐसे दिया हो कि जो बॉडी का जो वेट है वो 1/4 हो जाता है, मतलब ये कहा जाए कि वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/4. या यहां पर ऐसे लिखा हो कि वेट ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ. ओके,
तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे। अभी हम सोल्यूशन भी दिखा देंगे कैसे आ जाए, बट पहले याद रखिए कि अगर कहीं पर लिखा हो कि 25%, इसका मतलब ऐसे केस में हाइट हमेशा आर के बराबर होगी, या कहा जाए उसका जो वेट होगा 1/4 बचेगा, उस केस में भी हाइट हमारे आर के बराबर होगी। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड। लेकिन अगर अगले केस में अगली बार ये क्वेश्चन न देकर ऐसे कह दिया जाए कि वो हाइट बताइए जहां पर जी जो है वो 50% हो जाती है, तो उस केस में हाइट कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कितना, 0.4 R, या अगर कैलकुलेशन करवाएगा तो 0.4 × 64 किलोमीटर इंटू कर देना, और जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर कितना आएगा, ये H=R आएगा भी कि नहीं आएगा, तो चेक करते हैं, देखिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो याद करने वाली बात है जो अब याद कर लेंगे, लेकिन अब सॉल्व कैसे होगा, देखिए पहले हम अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू लिखते हैं, तो आप सबको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, gm/r2। ओके, अब अगर हम ऊपर जाते हैं तो gm तो वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये आपका दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, चलिए g' हम g निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, gm/r + h² r² / gm। ओके, gm क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बनेगा क्या, r² / r + h² अब हमको यही दे रखा है 25% / 100। ओके, 100 का मतलब हुआ कि g की वैल्यू मान लो पहले 100 थी, अब वो कितनी हो गई, 5%, मतलब 25%, मतलब कितना बचा, 25। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, r/r + h² इसको काट देते हैं, 4 times जाएगा तो ये बनेगा कितना, 1/4 r² / r + h² इसे सॉल्व करिए तो 1/2 = r/r + h। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा r + h = 2 r के। अब देखिए r = किसके बराबर आया, h के, या कि h = किसके बराबर आया, r के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा है, बी। ओके, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या दिया गया है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2t पीरियड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगाना, देखिए SHM की स्टोरी क्या है, जैसे पार्टिकल मान लो यहाँ से चला, ये आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल जाएगा वापस लौट के वहीं आएगा, इतने पूरे टाइम में जो टाइम लगता है उसको हम टी बोलते हैं। ओके, अब बार बार कितने भी आप चक्कर लगा लें, बार बार वहीं आएंगे, अगर कोई पार्टिकल जाके लौट के वहीं जगह पे आ जाता है तो ऐसे केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो सीधा आंसर, इसमें कोई सॉल्व ही नहीं करना, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये आंसर आपका होगा डी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर कितना, 0 के। तो देखिए इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन 25 सॉल्व कर लिए हैं, तो जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे, क्योंकि तो वीडियो बहुत काफी बड़ा हो जाता है तो उसमें आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, और साथ में जो अगला पेपर होगा 26 NTA, उसका भी हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।